स्वागत है हमारे YouTube चैनल MGTC फार्मिंग में। आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जितने भी किसान भाई हमारी मिर्च की खेती करते हैं, उन्होंने देखा होगा इस तरीके से पत्ते उनके सुकड़ जाते हैं, पूरी तरीके से पत्ते बंद जाते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं पूरी तरीके से पत्ते ये बंधे हुए हैं। इसे खोलने का बहुत ही सरल और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जिससे कि आपका उत्पादन भी बढ़ता है और कलर भी मेंटेन होता है और जो फल की मात्रा है वो भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है और आपका जो ये पौधा रहेगा वो ग्रोथ लेकर चलेगा। तो किसान साथियों, जितने भी साथी मिर्च के किसान हैं, जितने भी किसान भाई वीडियो पर नए आए, हमारे YouTube चैनल MGTC फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जितना हो सके वीडियो को अधिक शेयर करें। तो किसान साथियों, होता क्या है इसमें, जो आप ये पत्ता देख रहे हैं, इसका जो मुड़ रहा है ऊपर की साइड मुड़ रहा है, इसको थिप्स बोलते हैं। इसके अंदर थिप्स लगा रहता है, जिससे कि हमारा जो पत्ता रहता है, जो इसकी पत्तियाँ रहेंगी वो पूरी तरीके से इस तरीके से मुड़ जाएंगी। और जो साथियों, एक इसके अंदर बहुत ही खास चीज़ ये रहती है, एक इसके अंदर माइट होती है। माइट का क्या काम होता है, वो पत्ते जो सुकड़ते हैं वो नीचे की साइड को सुकड़ते हैं। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये माइट का अटैक है। माइट के अटैक से क्या होता है, पत्ते नीचे को सुकड़ जाते हैं, और थिप्स के अटैक से होता है पत्ते ऊपर को सुकड़ जाते हैं। तो साथियों, क्या होता है इसमें, मिर्च की फसल में सबसे ज़्यादा जो रोग देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में ये रोग हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए हमें आपको क्या लेना है, एक बहुत ही सिंपल तरीका, एक बहुत ही प्रोडक्ट इस तरीके के लेना है हमें। इसमें दो प्रोडक्ट का यूज करना है साथियों। पहला हमें लेना है जंप। साथियों, जंप आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जंप का क्या कार्य रहेगा, जो इसमें थिप्स लगी हुई है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। जंप के अंदर फिप्रोनिल 80% में होता है, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य कर चलता है। क्या, क्योंकि जंप का बहुत बेहतरीन कार्य होता है, जिस तरीके से अगर हम इसमें जंप का प्रयोग करते हैं। साथियों, दूसरा जो प्रोडक्ट हमें इसमें लेना है, एमिटा क्लोराइड 70% इसमें लेना है, जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इन दोनों प्रोडक्ट का एक जगह घोल बनाकर हमें इस फसल में स्प्रे कर देना, क्योंकि इसके स्प्रे करने से जो हमारी फसल रहेगी पूरी तरीके से खुलकर वृद्धि लेकर चलेगी और काफ़ी अच्छा उत्पादन हमारी मिर्च की फसल को मिलेगा। क्योंकि साथियों, अभी आप इसमें देख रहे हैं, मैंने जस्ट अभी कल इसमें स्प्रे कराया था, और लेकिन कल से थोड़ा फ़र्क दिखाई इसमें दे रहा है, इसमें फ़ायदा हमें मिला। क्योंकि ये दोनों क्या काम करेंगे, 2 ग्राम आपको एमिडा क्लोपराइड लेना, 2 ग्राम ही जंप लेना। जंप आपको 2 ग्राम ही मार्केट में मिलेगा। इन दोनों का एक जगह टंकी में मिक्स कराकर उसका स्प्रे करा देना पूरी फसल पर। तो इससे क्या होगा, जो मिर्च के जो थिप्स प्लस माइट लगी हुई है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, और जो पौधे की जो बंधा हुआ पौधा है, जिस तरीके से आप ये बंधा हुआ पौधा देख रहे हैं, पूरी तरीके से खुल जाएगा, और जो मिर्च का उत्पादन होगा वो बहुत ही अधिक संख्या में, ज़्यादा संख्या में होगा। तो किसान साथियों, जानकारी कैसी लगी, इसी के साथ अपने YouTube चैनल MGTC फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जितना हो सके किसान मित्रों तक अधिक शेयर करें, क्योंकि किसान भाइयों, शेयर करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और राम राम किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर बहुत जल्दी।